लद्दाख के गलवान घाटी में चीन के साथ हुई भिड़ंत में शहीद हुए भोजपुर के दिवंगत सैनिक चंदन कुमार का शव उनके पैतृक गांव जगदीशपुर प्रखंड के ज्ञानपुरा गांव पहुंचा तो पूरा आसमान भारत माता की जय के नारों से गुंजमान हो गया। शहीद चंदन के पार्थिव शरीर के पहुंचने से पहले ही पूरा गांव भारत माता की जय और वीर चंदन अमर रहे जैसे नारे लगाने लगा। भारी संख्या में लोगों ने शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल होते हुए उनके सम्मान में नारे लगाए। जवान की शहादत से पूरे गांव में मातम का माहौल है। शहीद जवान चंदन कुमार अपने पिता के चौथे और सबसे छोटे बेटे थे। देश के लिए बलिदान देने वाले चंदन कुमार की शादी पिछले मई महीने में होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनकी शादी को टाल दिया गया था। शहीद चंदन कुमार चार भाई और चार बहनों के बीच सबसे छोटे थे। चंदन के तीन बड़े भाई भी आर्मी में हैं, जो फिलहाल देश की रक्षा करने में लगे हुए हैं। चंदन साल 2017 में 16 बिहार रेजिमेंट की कंपनी में बहाल हुए थे। उनकी पहली पोस्टिंग लद्दाख के गलवान घाटी में हुई थी। चंदन की मां धर्मा देवी का रो रो कर बुरा हाल है। आज पूरे गांव ने वीर सपूत को श्रद्धांजलि दी और चंदन पंचतत्व में विलीन हो गए। न्यूज डेस्क।